स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूलें। स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। आज हम सीखेंगे कटोरी क्लट ब्लाउज को कैसे काटा जाता है और कैसे सिला जाता है। दोनों ही एक ही वीडियो में है, आप वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, इसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये देखिए शोल्डर है, ये देखिए नाप लेते हैं हम 9.5 और ये लंबाई, यहाँ से जॉइंट से थोड़ा खींच के नापे 12.5। ये देखिए हम ब्लाउज से ब्लाउज काटने का तरीका बताएंगे आज कि किस तरीके से। चलिए इसे लिख लेते हैं, तीरा कहते हैं इसे 9.5 और लंबाई 12.5, ठीक है। चलिए अब ये देखिए 12.5, ये हमारे पास कपड़ा है 1 मीटर कॉटन का कपड़ा है। ये देखिए ये एक साइड से हम इसे फोल्ड करेंगे, ये इस तरीके से। देखिए किनारी जो है कोरा वो साइड पे है, इस साइड। ये देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच से छोड़ेंगे और यहाँ से 12.5 निशान लगा के फिर हम 1/2 इंच दबाव का छोड़ देंगे। ये 1.5 इंच और 1/2 इंच सब दबाव है, सब ये देखिए इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देखिए बहुत ही आसान है ये कटिंग, आपको कोई ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं। ये 1/2 इंच ज़्यादा लेना हमें इस वाले पल्ले से, ये जो छोटा है वो पीछे साइड का पल्ला है और ये जो बड़ा है वो आगे की तरफ का, तो इसमें बहुत से कट लगने वाले हैं, तो इसे हम 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे। ये देखिए अब हम चेस्ट और कमर का नाप लेंगे। ये देखिए यहाँ पकड़े और सीधा बगल पे यहाँ से आ जाए और यहाँ से गला को खींचे नहीं, यहाँ पे आके इस तरीके से ये पूरा नाप आ गया, ये 32 आया हमारा। ये कमर को तो सीधा सीधे आप नाप सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ये हमारा आ गया 27। चलिए शोल्डर हमने यानी तीरा 9.5 नापा था और ये हम 32 है, तो हम इसे ज़्यादा लेंगे यानी 40 लेंगे, यानी 8 इंच ज़्यादा हमने लिया है, 32 का 8 इंच ज़्यादा। यहाँ से 5, ये देखिए, ये देखिए ये 9 × 36 लिए हैं, यानी 27 कमर है तो हमने 36 लिया है। देखिए एक्स्ट्रा में लेके चलना है, बाद में घट बढ़ जाता है तो वो हमें काम आता है, इसीलिए ये देखिए 9.5 का 1/2 लेना है। बहुत इजी कटिंग, ये देखिए ऐसे राउंड कर दें, चलिए इसे काट दिया। अब ये शोल्डर को हमने 2 भाग कर दिया, ये देखिए ये बैक साइड का पल्ला है, इसे हम लपेट दिए इस तरह डबल और हमें कुछ नहीं करना है। ये बैक साइड को फोल्ड करके हमें इस तरीके से बैठा देना है। ये देखिए मार्जिन को छोड़ना है चारों तरफ एक एक सूत, ये देखिए यहाँ बैठा के और निशान लगा देना है। ये देखिए निशान लगा के इसे हम काट देंगे।
और ये यहाँ पे निशान लगाएंगे, एक प्लेट एक लगती है बैक साइड पे, ये देखिए यहाँ पे हम 4.5 इंच का रखेंगे, ये इस तरीके से लगेगा। ये तो बैक का काम हो गया, अब ये देखिए फ्रंट साइड, इसे भी हम इस तरीके से डबल कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मार्जिन का ख्याल रखना है, जो जॉइंट है उसके हम चारों तरफ मार्जिन छोड़ते हुए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो जॉइंट है उसको हम ज़्यादा लेते हुए चलेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। ये देखिए ज़्यादा, यानी जितना हम मोड़ने वाले हैं मोड़ के मेन साइज पे आ जाए। ये देखिए सभी जॉइंट पे, जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उससे आप ज़्यादा लें बस, और कुछ नहीं करना। ये देखिए यहाँ वहाँ आपको कोई नाप उतना फिक्स नहीं है, बस आप अंदाज से इसे आराम से काट सकते हैं। ये देखिए ये देखिए हमने काट लिया, ये न्यूज़पेपर है। तो आप चोली की कटिंग अच्छा रहेगा कि इस पर कर ले, हम तो डायरेक्ट काटते, लेकिन आप अगर छोटा बड़ा होगा, ये देखिए 2.5 इंच और यहाँ से फिर 8 इंच करके, यहाँ से 2 इंच, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, इस तरीके से तिरछा करना आपको बस, यहाँ से ये राउंड कर देना है। ये देखिए ज़्यादा हमें 2.5 इंच 5 इंच 10 इंच करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस वन साइडेड गोल और वन साइड तिरछा करके आप आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए जॉइंट पे, और ये ज़्यादा जॉइंट्स आपको बाहर की तरफ ज़्यादा रखना है, ध्यान रखिएगा। ये जॉइंट आ गया और ये ज़्यादा मोड़ना है हमें, प्लेट लगाना है तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ से जॉइंट से। ये देखिए यहाँ से हम इसे राउंड कर देंगे, ये देखिए आराम से ये कटोरी हमारी निकल गई। अब बताइए इससे आसान और कहाँ। ये देखिए ये हम इस तरीके से इसे फोल्ड करके इस तरीके से लगा सकते हैं। ये जो ज़्यादा है इसका आप टेंशन मत लीजिए, ये जब इसे सिलेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, और ये ज़्यादा रखना ही रखना है। ये देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। चलिए अब पेपर से आप कपड़े को काटते हैं डबल करके, बस हमें इसे काट देना है और कुछ नहीं करना। ये देखिए तिरछी रखें आप, इस सीधी लाइन को तिरछी रखें तो ज़्यादा खूबसूरत बैठती है ये। ये देखिए बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। पेपर में आप काटिए, छोटा बड़ा जो भी हो आप दोबारा से काट सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, काट सकते हैं।
ये देखिए ऐसे प्लेट लगाना है इसमें, यहाँ से एक प्लेट बस, ये देखिए चलिए बाजू निकाल लेते हैं। ये बाजू कटिंग हम करने जा रहे हैं, इसमें भी वही फॉर्मूला है एक्स्ट्रा बाय एक्स्ट्रा। ये देखिए यहाँ से हमने मोड़ने का एक्स्ट्रा लिया, यहाँ से सिलने का एक्स्ट्रा, और ये देखिए यहाँ से मेन दे के और यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये देखिए सभी एक्स्ट्रा आपको लेते चल जाना है, बस कुछ नहीं करना है। ये देखिए आराम से इसे आप काट दें। चलिए ये कटिंग हमारी हो गई, जितने भी थे फ्रंट बैक और चोली और बाजू इतने ही तो होते हैं। और चलिए अब मशीन पे सिल के आपको हम बताते हैं। ये हम आ गए मशीन पे, ये देखिए सभी पार्ट पुर्जे। ये हमने उरेब की पट्टी और पट्टियाँ भी काट ली हैं। चलिए ये बैक का पल्ला है, देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से मार्क कर लें ताकि दोनों बराबर रहें। ये देखिए यहाँ से दो प्लेट हम लगाएंगे बैक की साइड, सॉरी। देखिए दो प्लेट लग चुके हैं और यहाँ से इसे सिल देंगे। और नीचे की साइड हम हेम करने वाले हैं, यानी कि तुरपाई भी करते हैं, तो उसके लिए हम इसे इस तरीके से छोड़ने वाले हैं। ये देखिए नाखून मारकर हम इसे छोड़ देंगे। ये देखिए नॉर्मल ब्लाउज में अक्सर ज़्यादातर हेम या तुरपाई होते हैं। ये देखिए चोली है, इसे हम प्लेट लगा देंगे और निशान के साइड। दोनों में हमने सिलाई लगा दिया, देख सकते हैं आप। ये देखिए छोटी सिलाई भी। ये देखिए इस तरीके से हम इसे सिल देंगे। ये वन साइड सिला गया, ये दूसरी साइड। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, ये नीचे का है, इसे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ध्यान से देखिए, करना कुछ नहीं, बस जोड़ते हुए चले जाना है दोनों साइड। ये देखिए दोनों साइड हमारा तैयार हो गया। ये देखिए बहुत ही आसानी से, देख रहे ना आप, बहुत ही आसान, बहुत जल्दी। ये देखिए पट्टी है, ये दोनों पतली चौड़ी वाली पट्टी जो बटन की बनेगी, जिस साइड बटन लगता है, और पतली वाली जिस साइड काज होता है, यानी कि इसमें हम हुक का इस्तेमाल नहीं बटन का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए हुक साइड में आपको सिर्फ उल्टा कर देना है, पतली वाली इधर आ जाएगी और चौड़ी वाली उधर चली जाएगी।
ये देखिए, चलिए इसे फोल्ड कर देते हैं बैक साइड की तरह। इसमें भी हम नीचे साइड हेम या तुरपाए रखने वाले हैं। ये देखिए यहाँ से नाखून मार दे, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए जिस तरह उसे हमने पट्टी को बाहर किया, उस तरह इसे बाहर नहीं करना है, इसे हमें अंदर भेज देना है। ये देखिए हमें ये हम अंदर भेज देंगे इसे, ये देखिए ये अंदर चली जाएगी। ये देखिए उसी तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे। और नाखून मार देंगे। ये देखिए और इसे हम फॉल्स सिलाई हम कर देंगे, यानी कि चिपका देंगे ऐसे ही साइज में हम बैठाने के लिए। छोटे छोटे तीन सिलाई मारेंगे इसमें, ये एक दो और ये, इसे बाद में खोलने वाले हैं इसलिए हमने इसे ऐसे मारा है। बस ये नाप को सही करने के लिए मारा जाता है। चलिए बैक का पल्ला हम लाए, ये देखिए बैक साइड का, और इस पे हमने फ्रंट को रखा और यहाँ से हम नापेंगे फिर 32 का आधा और 27 का आधा। ये देखिए 16 पे हम मार्क करेंगे, 16 16 16, साढ़े तेरह। चलिए इसे सिल देते हैं। ये देखिए यहाँ से सिल के, और हम फिर से इसे खोल के एक बार नापेंगे। जिस तरह हमने नापा था उसी तरीके से फिर नापेंगे। देख लीजिएगा आप, इसमें 1 इंच 2 इंच बढ़ जाता है, इसीलिए परफेक्ट नहीं आ पाता कोई ब्लाउज। तो हम इसे नाप कर फिर से इसे, ये देखिए आप देख सकते हैं ये 2 इंच बढ़ चुका है, और ये 1 इंच बढ़ चुका है, 27 का 28 हो चुका है। चलिए सीना अगर 2 इंच है तो आप आधा इंच बढ़ा मतलब दबा दें, और 1 इंच बढ़ा है तो उसका चौथा भाग, यानी जितने भी बढ़े उसके चौथा भाग आप दबा दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली मेन साइज पे आ जाएगा। ये देखिए हम सेव कर देंगे इसे। चलिए शोल्डर को सिलाई कर देते हैं, इसमें तो कुछ नहीं खास। और गले की पट्टी हम बनाने वाले हैं। ये देखिए उरेब की पट्टी हम काट कर रखे हुए हैं, ये तिरछी है ध्यान रखिएगा, तिरछी पट्टी है ये उरेब की पट्टी। इसे हम जॉइंट करके ये देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। चलिए ये देखिए थोड़ा लाइट की कमी हो गई है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कि हमने इस तरीके से सिल दिया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह हर एक ब्लाउज में होता है, पाइपिंग लगाएं, उरेब की पट्टी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखिए नाखून मार के इसमें भी हम हाथ की सिलाई यानी कि तुरपाई रखने वाले हैं। ये देखिए आराम आराम से बना इसे, ये ब्लाउज अब तैयार होने को आया, सिर्फ हमें बाजू जोड़ना है। बाजू इस पर हम गोल चढ़ाने वाले हैं। ओके चलिए इसे सेव कर दिया हम। ये देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा। ये बाजू इसे भी हम हाथ की सिलाई रखने वाले हैं, तो इसे हम इस तरीके से नाखून मार के फोल्ड कर देंगे। ये देखिए अभी हमने ब्लाउज के बाजू को नाप लिया है और उसी नाप से फिर हम इसे यहाँ पे निशान लगा देंगे और सिल देंगे। ये देखिए फिक्स कटिंग अगर आपने नहीं सीखा है तो आप गोल बाजू आराम से चढ़ा सकते हैं, या फिर आपको फिक्स कटिंग करना होगा तो वो सीधी वाली बाजू चढ़ानी सीखनी होगी, जिसमें अगर आप फिक्स नहीं काट पाएंगे तो सीने में कमी ज़्यादा आ सकता है। ये देखिए हम आपको बताते हैं, ये सेम आ चुका है जॉइंट से यहाँ ज़्यादा। ये देखिए आगे के साइड थोड़ा गड्ढा रहता है तो इसे हम सेव कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ से इसे मिला के आधा इंच ऊपर हम चौका निशान लाएँ। ये देखिए थोड़ा ऊपर रखें और इसे गोल कर दें, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। ये देखिए आगे पल्ला थोड़ा गड्ढा कर दें और यहाँ से गोल गोल आप इसे फिट कर दें। चलिए इसे जॉइंट कर देते हैं। ये देखिए गोल गोल हम इसे सिल देंगे। ये देखिए फिट हो चुका है आराम से, एक फिट हो चुका है, दूसरा ये भी आधा इंच ऊपर निशान लगाएं, जब काटेंगे तो वो अपने आप फिट आ जाएगा। ये देखिए इसे भी चलिए सिल देते हैं। ये देखिए गोल गोल फिट कर दिया।
ये देखिए ये ब्लाउज़ हमारा तैयार हो गया, देख सकते हैं आप, आपके सामने बहुत ही आसानी से। नीचे ऊपर सब हमने हाथ की सिलाई रखी हुई है। ये देखिए ब्लाउज तैयार है। ये देखिए कोई कमी हो इसमें तो कमेंट करें आप, लाइक करें वीडियो को और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ये देखिए डोरी लगा रहे हैं, ये कैसे बनता है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। बहुत दिनों से ये वीडियो मैं डालना चाहता था। ये देखिए और भी हमारे वीडियो हैं, लहंगा आपको अगर सीखना है तो यहाँ पे आप पहला वाला वीडियो जो है वो क्लिक कर सकते हैं और दूसरा वाला जो है वो आप कैसे काटते हैं वो सीख सकते हैं। तो कैलकुलेट होना भी बहुत ज़रूरी है और काटना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।